नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल करने के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार को मणिशंकर अय्यर ने 1962 के चीनी आक्रमण का जिक्र करते हुए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में मणिशंकर अय्यर के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का दावा छोड़ दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन स्वीकार किया। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया था। इससे हमारे MSME को नुकसान पहुंचा। अब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर उसी चीनी आक्रमण को झुठलाना चाहते हैं जिसमें चीनियों ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। कांग्रेस का चीन के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है? आइए सुनते हैं मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या था। इन अक्टूबर 1962 द चाइनीज अलेजेडली इन्वेडेड इंडिया। इन October 1962, the Chinese allegedly invaded India. हालांकि बाद में मणिशंकर अय्यर ने एक बयान में कहा कि मैं चीनी आक्रमण के लिए कथित आक्रमण शब्द का गलती से इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। चंद दिनों पहले ही मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की पैरवी कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इस बार पाकिस्तान के बाद मणिशंकर अय्यर की जुबान चीन पर फिसल गई है। मौजूदा विवाद के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा है कि मणिशंकर अय्यर की उम्र को देखते हुए रियायत दी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन का भारत पर आक्रमण वास्तविक था। साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीन की घुसपैठ भी वास्तविक थी जिसमें हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे और यथास्थिति बिगड़ गई थी। बीजेपी ने अय्यर के ताजा बयान के बाद कहा है कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से सेना के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। गौरव भाटिया जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, सुनिए जरा। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आया है, उनको भी सुनिए। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। ये तो चोट है भारत की अखंडता पर, ये अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि इस तरह के फ्रीलांसर्स के जरिए वो देश में कंफ्यूजन और देश के संविधान पर कभी हमला कराएंगे, कभी देश के लोकतंत्र पे जो है वो सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करेंगे, देश के सुरक्षा और सुरक्षा बलों पर जो है वो सवाल खड़ा करने की कोशिश करेंगे और देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये कोई अचानक नहीं होता। इनकी दिक्कत यह है कि जो है चोर से कहेंगे चोरी करो, बाद में जब फंस जाएंगे तो कहेंगे जागते रहो। तो साफ है कि अय्यर के बयान को बीजेपी के नेताओं ने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं लेकिन ये जहरीली सोच है राहुल गांधी की। ये कहते हुए बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लिए सवालों की झड़ी लगा दी है। चंद दिनों पहले सैम पित्रोदा के विरासत कर और रंगभेद वाले बयानों पर भी राजनीतिक बवाल मच गया था। बीजेपी ने पित्रोदा की ही तरह इस मामले को भी हाथों हाथ लपक लिया है। जाहिर है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अय्यर के बयान की गूंज चुनावी रैलियों में भी सुनाई देगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक इसे आप जरूर कर दें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।